नॉकआउट राउंड में हमारे सेमीफाइनल के महाबली इसको टक्कर देने आ रहे हैं चार नए नवेले चैलेंजर। हर चैलेंज का होगा एक विनर, यानी शो के अंत में हमें मिलेंगे चार चैलेंज विनर्स। इन चार विजेताओं में से हमारे जजेस चुनेंगे उसे जो जुड़ेगा ग्रैंड फिनाले की रेस में। उसी को मिलेगी किस्मत की सुनहरे दरवाजे की चाबी। शो शुरू किया जाए। जो एंटरटेनर मेरे साथ इस वक्त खड़ी है ना, इसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। हर बार इसने अपनी परफॉर्मेंस पे स्टेज पर आग लगा दी और जजेस का दिल भी जीता है। लेकिन वो क्या है ना, इस वक्त थोड़ी सी नर्वस है। तो राधिका प्लीज नर्वसनेस को छोड़ दो और अपनी परफॉर्मेंस का पंच मारो। चलो राधिका। यस सर। मोना बोल रही है तुम बहुत नर्वस हो। हाँ, थोड़ी नर्वस। थोड़ी सी तो होना चाहिए। थोड़ा नर्वस लग रही हो, क्या बात है बताओ। नहीं, मैं फाइनल में पहुंच के जीत के घर जाना चाहती हूँ। तो राधिका तो वी नो हर डन अ फैबुलस एरियल एक्ट, उसका चैलेंजर कौन है भाई? देखिए, आज जो राधिका को टक्कर देने जा रहे हैं वो है एंटरटेनमेंट के पिछले सीजन के फाइनलिस्ट। पिछले सीजन के फाइनलिस्ट, दैट्स राइट सर। तो प्लीज टक्कर देने वाले एंटरटेनर हाजिर हो जाए। हमारे पिछले साल के फाइनलिस्ट जीनू। वेलकम वेलकम। आज तो ऐसे आए हो जैसे कोई मिशन पे आए हो। मिशन है ये? परफॉर्मेशन परफॉर्मेंस यू बी परफॉर्मेंस ट्रांसलेटर। वी हैव अ ट्रांसलेटर हियर, प्लीज कम। प्लीज आप जीरो से पूछे कि यहाँ पर वापस एज अ चैलेंजर आकर उन्हें कैसे महसूस हो रहा है? ഇപ്പം അവർ ചോദിക്കുക ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആസ് എ ചാലഞ്ചർ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുക, അപ്പം എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. वो बोल रहे चैलेंज करने के लिए आए, वो चैलेंज करके ही जाएंगे और अच्छे से जीत के जाएंगे। लेकिन आप दोनों में से पहले कौन परफॉर्म करेगा? राधिका। राधिका राय लेडीज फर्स्ट। सिंपल। सेमीफाइनल की टक्कर शुरू की जाए।
absolutely spotless. Super. Queen Khan. Radhika, तुम्हारा performance जितने भी बार देखो ना उतनी ही बार हमें हैरानी होती है. We are awestruck. It's so beautiful your act. और ये last time तुमने almost similar act किया था लेकिन आज भी जब तुमने किया that same magic was there. और मैं क्या बोलूँ राधिका, beautiful act. और मोना और मुझे भी लगता है कभी हमें भी ऐसे उड़ना चाहिए यार. It must be such a great experience. मुझे भी लगता है. उफ, आलम पना जी. It was one of the finest performance राधिका by you. और मैं अलग अंदाज में कहना चाहता हूँ, देखो क्या होता है कि मोबाइल जैसी चीज में जो दम है वो किसी चीज में दम नहीं. और तुम जैसे कलाकारों से ये शो है, तुम कलाकार नहीं तो हम नहीं. जीनू जीनू, आप राधिका को चैलेंज करके यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लगता है राधिका की परफॉर्मेंस कैसी रही? इट वॉज गुड बट आई विल डू बेटर. प्लीज वेलकम आवर चैलेंजर जीनू. आपके जोश और आपके जुनून को देख के हम सब कुर्बान हो गए. स्पॉटलेस परफॉर्मेंस. थैंक यू. व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस. यू नो जी, आप कहिए. आई नो ऑनेस्टली लास्ट ईयर यू नो आप फाइनल में आए और आपको यू कुड नॉट, आई थिंक द ट्रांसलेटर शुड कम हियर बट टुडे यू हैव टू टेल हिम मिस्टर ट्रांसलेटर दैट जीनो हैज आउटडन. उसने कमाल कर दिया. उसका जो एक्ट था और उसका यू सी इसका, इट वॉज वेरी स्टाइलिश.
सबसे अच्छी बात आई टेल हिम दैट आई फाउंड वेरी क्लासी एंड स्टाइलिश एक्ट एंड अ बिग इंप्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट टाइम फैंटास्टिक परफॉर्मेंस यू नो गॉड ब्लेस यू क्वीन खान हमको मालूम है तुम कितने अच्छे एरियलिस्ट हो इट वाज ब्यूटीफुल कहीं कहीं मुझे लगा थोड़ा क्लमजी हो रहा था थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे तुम पैर अंदर घुसाने को आई फाउंड राधिका एक्ट वाज वेरी क्लीन एंड इट वाज लाइक वेरी क्लीन एंड ग्रेसफुल एंड क्लीन लाइंस एंड देयर वाज नो स्ट्रगल हैपनिंग वी हैव अ डिफरेंट ओपिनियन हियर बट आई फील हर एक्ट इज फैंटास्टिक बट दिस बॉय यू नो यू हैव आउटडन योरसेल्फ फ्रॉम लास्ट टाइम ही वाज मच मच बेटर तो अब है फैसले की घड़ी राधिका प्लीज स्टेज पर आ जाइए राधिका या जीनो आज कौन होगा इस मंच से नॉक्ड आउट ओके बोथ मी एंड फारा हैव कम टू अ डिसीजन तो आज जो फाइनल की दौड़ में इट इज नन अदर देन जीनो कंग्रेचुलेशंस जीनो सुपर्ब हो सकता है कि आप हमारे ग्रैंड फिनाले में जाएं और आपको भी मिल सकती है किस्मत की चाबी राधिका थैंक यू सो मच राधिका थैंक यू वेरी वेरी